इन किसानों के प्रयासों को एक मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है बिहार सरकार के सहयोग से कृषि विभाग एवं आत्मा लखीसराय ने। गौरतलब है कि कृषि विभाग बिहार सरकार ने विशेष बागवानी फसल के तहत राज्य के प्रत्येक जिला के लिए एक फसल तय किया था। लखीसराय जिला के लिए टमाटर की खेती को महत्वपूर्ण माना गया था। फिर क्या था, जिले में कृषि विभाग एवं आत्मा लखीसराय ने इसे मिशन के तौर पर लिया। कृषि विभाग के पदाधिकारियों ने गांव के लोगों को समूह बनाकर टमाटर की खेती के प्रति जागरूक करने के साथ साथ तकनीकी प्रशिक्षण एवं अनुदान उपलब्ध कराकर इनके आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का अनवरत प्रयास किया, जिसका परिणाम है कि आज जिले के अनेक किसान टमाटर की खेती की तरफ आकर्षित हुए हैं। लखीसराय जिला को टमाटर हाइब्रिड टमाटर उत्पादन के लिए विशेष फसल के रूप में चयन किया गया है, जिसके तहत हम लोगों को 100 हेक्टेयर का लक्ष्य मिला था और खरीफ मौसम में ही हम लोगों ने 100 हेक्टेयर का चयन करके उत्पादन शुरू किए थे। उसमें चल रहा है, उसका भी फल अभी भी कुछ दे रहा है, लेकिन मौसम चेंज हो चुका है और अब जो है गर्मा मौसम में गर्मी मौसम में भी टमाटर लगा हुआ है और इसके तहत लगभग 260 हेक्टेयर में जिला उद्यान पदाधिकारी के माध्यम से इस जिला में कार्यान्वयन कराया जा रहा है। और अभी जो हम लोग जिस प्लॉट में खड़े हैं, ये भी यही गर्मा फसल है। इस जिला में गर्मा फसल प्रारंभिक दौर में है, पूर्व में एक ही सीजन में टमाटर उत्पादन का यहाँ परंपरा रही है। पूर्ण रूपेण जैविक खेती इसमें कराई गई है और इसमें किसान अपने इच्छा से लिए हैं बीज, इनको जैविक खाद भी मिला है, इसका रजिस्ट्रेशन भी कराया विभाग के तरफ से कराया गया है। इनको जो 10 इनको अपने देना था, निकाई गुड़ाई करना था अपने 10,000 के अंदर, इसके अलावे 23,000 रुपया का इनको सीड, जैविक खाद, बर्मी कीटनाशक, ये सभी चीज़ उपादान के रूप में इनको दिया गया है।